एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप करता हूँ गाइस आप सब बढ़िया होंगे एंड बढ़िया होने चाहिए। एंड इस प्यारी से बीस्ट को देख के, मतलब प्यारी क्या कहूँ, बहुत ही शानदार बीस्ट को देख के आप और खुश हो गए होंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं अभी मेरे सामने खड़ी है यामा की MT-03, ये रहा यामा की MT-03 जो कि भी रिसेंटली इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुकी है एंड धीरे 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 शोरूम उस पर भी आना स्टार्ट हो गई है। तो एक तरह से देखा जाए तो यार ये यामा की 300 सेगमेंट की बहुत ही अच्छी और पावरफुल बाइक है। तो मैंने सोचा आज का थोड़ा सा एक वॉक अराउंड कर लेता हूँ कि जब मुझे भी मिल गई शोरूम पे हाल ही, तो एक छोटा सा वॉक अराउंड करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रही इसकी की, सिंपल सी जैसे FZ R15 की आती है सेम वैसी की है। तो की को इंसर्ट करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। की इंसर्ट करने का थोड़ा अच्छा सा बना रखा है, वो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ना, बड़ा थोड़ा यूनिक सा है। तो की को इंसर्ट करते हैं, ऑन करते हैं। तो ऑन करने पे पहले तो आप आगे का लुक देख लीजिए, जितना ज़्यादा शार्प है ना उतना ही ज़्यादा ये मतलब थोड़ा सा मॉन्स्टर वाला लुक दे रहा है। मतलब काफ़ी देखने में आपको लगेगा कि हेड बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बट ये छोटा होने की वजह से भी इसकी जो लाइट्स है ना, जो पतली सी आप AIS देख सकते हैं, नीचे प्रोजेक्टर देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक दे रही है कि जिससे आपको एक अग्रेसिव और बहुत ही पावरफुल बीस्ट वाला लुक देती है। आपका जो प्रोजेक्टर है ये ऐसे ऑन नहीं होगा, आपका हाई बीम पे भी ऑन नहीं होगा, ये आपकी गाड़ी ऑन होने पे प्रोजेक्टर ऑन होता है, ऐसे वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्वर फिनिश में है एंड नीचे साइड आएंगे तो LEDs मिल जाता है एंड यहाँ सेंटर में आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है। बाकी इसका हॉर्न का जो पोजीशन है वो थोड़ा बड़ा अजीब सा है, बट अगर इसका जो होता है नंबर प्लेट वाला माउंट होता है, अगर ये नीचे होगा अब तो ये ढक जाएगा, बट ऐसे फिर थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ा ख़राब लगा देखने में। एंड एक और चीज़ भी मैं इसकी प्राइस भी बता देता हूँ, तो इसका प्राइस आपको पड़ जाता है 5,24,000 समथिंग पड़ जाती है। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो सही में प्राइस में यार थोड़ी कॉस्टली पड़ जाती है, अदरवाइज़ बाकी तो वैसा कुछ नहीं है। क्योंकि 310 सीसी की गाड़ी, मतलब एक तरह से 310 या 321 सीसी की मान लो, तो ये आपकी गाड़ी आती है लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक 4 वाल्व DOHC सिलेंडर के साथ है। एंड इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है 321 सीसी का। एंड टॉर्क की बात करूँ तो इसमें मिल जाता है आपको 29.5 NM का टॉर्क। एंड एक और अच्छी बात क्या है ना कि ये आपकी डबल कह सकते हैं 2 सिलेंडर्स में आती है, आप देख सकते हैं दो आपको वेंट पाइप जाती हुई दिख रही है, नीचे जाके वो सिंगल हो गया एग्जॉस्ट में, आपको यहाँ पर ऐसी हो गई है। तो ये आपकी डबल सिलेंडर्स में आती है, लिक्विड कूल आती है, और देखिए आप इसका रेटेड भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपकी लिक्विड कूल आती है। कूलेंट का पोजीशन कहाँ है वो भी इधर उधर कहीं होगा, अभी तो मुझे पता नहीं क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं भी देख रहा हूँ। बाकी सेल्फ स्टार्ट है, फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी मिल जाती है। क्लच की बात करें तो क्लच में आपको मिल जाता है स्लिपर एसिस्ट क्लच, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। पहले मैं एक डिटेल आपकी बताते चलाता हूँ, उसके बाद सब कुछ आपको क्लैरिटी भी दिखाता हूँ। 6-speed गेयर बॉक्स के साथ आती है एंड फिर इसमें बाकी सब आपको डिजिटल कंट्रोल मिल जाता है पूरा, जैसे कि अब तो हर गाड़ी में डिजिटल ही आने लगा है, मोस्टली इसमें डिजिटल आता है। स्प्लिट सीट है देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए इस तरह की कुछ स्प्लिट सीट मिल जाती है आपको इसमें। एंड माइलेज की बात करूँ तो यार कंपनी जो है ना इसमें जो क्लेम कर रही है आपको 25 से समथिंग क्लेम कर रही है, तो अगर आप मान के चलिए 25 क्लेम दे रही ना, तो आप 20 से 25 के ही लेकर चलिए कि आप तो 20-25 इससे ज़्यादा नहीं दे पाएगी। आपने बहुत अच्छी चला ली तो शायद आप थोड़ी अच्छी निकाल लें, अगर बहुत इससे ज़्यादा अच्छी नहीं निकाल सकते। एंड टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो इसमें आपको ज़्यादा 14 लीटर की टैंक कैपेसिटी, तो टैंक कैपेसिटी मैं कह सकता हूँ अच्छी है, अकॉर्डिंग टू माइलेज इतनी होनी चाहिए थी, कम होती तो सही ना रहता। सीट हाइट की बात करूँ तो सीट हाइट इसकी बढ़ जाती है 780 mm की, जो कि काफ़ी ज़्यादा लो है सही में। R15 या MT से भी मैं कंपेयर करूँ तो काफ़ी ज़्यादा लो है इसकी, मतलब राइडर की सीट। पिलियन की सीट तो आपको देख के ही पता चल रहा है कि पिलियन की सीट तो वैसे ही ऊँची है, काफ़ी पता चल रहा है वो तो देख के ही पर, और आप राइडर की सीट देख सकते हैं, राइडर की सीट काफ़ी नीचे है। तो जैसे ही राइडर की सीट आपने मैंने बताया कि राइडर की सीट इसकी पड़ जाती है 780 mm की एंड ग्राउंड क्लीयरेंस इसकी जो है 160 mm की है, तो ग्राउंड क्लीयरेंस तो सफिशेंट है, तो इससे आप टूरिंग भी कर सकते हैं, सिटी राइड भी कर सकते हैं, तो ये सब बहुत ही बढ़िया चीज़ है इसकी। एंड बाकी तो इसमें आपको LED पूरा सेटअप मिल जाता है, LED टेल लाइट मिल जाती है, वो भी मैं आपको एक करके दिखा दूँ, पर उससे पहले ये 3 चीज़ें और आपको बता दूँ। पावर की बात करता हूँ, पावर सबसे आपकी मर्जी से, मैंने टॉर्क तो बता दिया 29 का है, और इसमें आपको मिल जाता है 42 PS की आपको इसमें पावर सप्लाई मिल जाती है। क्योंकि सिंपल बात है नेकेड बाइक है तो ये सिर्फ स्ट्रीट्स पर भागने के लिए बनी, तो भाई इनको पावर चाहिए। क्रूजिंग बाइक होती थी इनकी टॉर्क ज़्यादा होती, स्ट्रीट बाइक है स्पोर्ट्स तो उनको पावर ज़्यादा रहती है, इसीलिए तो सबका ऐसा रहता है, तो आपको उसमें 42 PS की पावर मिल जाती है। एंड 6-speed गेयर बॉक्स है जैसा कि मैंने आपको बताई दिया। एंड सस्पेंशन की बात करूँ तो इसमें आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के सस्पेंशन जो दिख रहे हैं ना आपको,
ये जैसे ब्लैक है तो आपको ये ना लगे कि ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, ये आपके अपसाइड डाउन यूएसडी फोक्स हैं, क्योंकि एक्चुअली ये ब्लैक है कलर, तो ब्लैक कलर के साथ आपको फुल ब्लैक टच ही दिया गया है। बट यहाँ पे जैसे अलॉय का देख सकते हैं, अलॉय का कलर सियान कर दिया गया है, नहीं आई थिंक ये सियान है, सॉरी ये ब्लैक नहीं, ये सियान कलर है, बट इसमें आपको मिला है ब्लैक अपसाइड डाउन यूएसडी फोक्स। एंड पीछे की बात करूँ, पीछे वाले सस्पेंशन की बात करूँ, तो पीछे आपके स्विंग आर्म्स मिल जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पे ऐसे दिख रहे होंगे हल्के हल्के, इतना प्रॉपर दिख नहीं रहा कि यहाँ पे इससे कवर कर दिया उन्होंने, हर बार आपको यहाँ से स्पेस में दिख जाता था, बट अब की बार उन्होंने अंदर यहाँ कवर कर दिया है, तो स्विंग आर्म्स वाले दोनों सॉफ्ट टाइप के मिल जाते हैं इसके रियर सस्पेंशन। ओके, एंड इसमें आपको मिल जाता है डुअल डिस्क, डुअल एबीएस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रियर डिस्क एंड एबीएस इधर भी, एंड डिस्क और एबीएस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इनकी। इसका डिस्क का जो सिस्टम भी है ये भी, इस पर तो कोई ऐसे ब्रांड का नाम नहीं लिखा है, जैसे कि आरन फाइव में आता है में लिखा रहता है आरन फाइव जयंती में, तो ये है। एंड अगर टायर सेक्शन की बात करूँ तो टायर सेक्शन में आपको बता देता हूँ, तो टायर सेक्शन इसमें ऐसा तो दिख नहीं रहा है यार, कि दिखा भी कहीं कहीं ना बहुत छोटा मैंने देखा था, तो मैं अपने हिसाब से मेरी जो जानकारी है, तो फ्रंट का जो इसका टायर साइज़ है वो 110 70 17, ठीक है, एंड ये आपका रेड के टायर के साथ आता है, कहीं ये देखिए आप ऐसे होगा 110 70 17 करके, ये इसका रेडियर टायर के साइज़ में। एंड इस साइड आप देखेंगे रियर में, तो रियर में आपका पड़ जाता है ये आई गेस यहाँ पर 140/17 R17, ठीक है, तो ये जो दोनों के दोनों टायर, ये आपके रेडियर टायर मिलते हैं इसमें, एंड टायर साइज़ भी ठीक है सफिशेंट, बट आई थिंक मैं ये कहूँगा आगे का अगर 110 था तो पीछे का आई थिंक इनको यार 150 देना चाहिए था, क्योंकि 140 तो आर 5 का भी आता तो 150 होना चाहिए था, बट देखने में काफ़ी ह्यूज लग रहा है एज़ कम्पेयर टू आर 5 या MT। सो ये देखते क्या सीन है बाकी का, इसमें अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं ये तो आपको पता ही होगा। एंड एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि इसके अलॉय व्हील्स में एक चीज़ अच्छी ये क्या की गई है ना, कि अलॉय का पैटर्न चेंज हो गया है, तो अब जो इसमें अलॉय व्हील्स का जो पैटर्न आता है ना वो आपको डायमंड कट में, आपको वैसा तो लग नहीं पा रहा होगा इतना कि डायमंड कट है कि क्या है, बट ये डायमंड कट अलॉय शेप पैटर्न में आ गए हैं, बाकी आर 5 के अलग होते थे, MT के अलग, MT और आर 5 के सेम होते थे, ये अलग दिया, तो ये मेरे को एज़ कम्पेयर टू आर 5 और MT ज़्यादा बेस्ट लग रहा है देखने में, अगर ये ब्लैक होते तो और अच्छे लगते, बट जैसे ये इसका ये सियान वाला कलर है तो इसलिए इसमें आपको सियान दिया गया है, एंड यहाँ पर भी आपको सियान कलर से आउटलाइनिंग दी गई है, यहाँ पर आपको MT 03 लिखा गया है सिल्वर, पूरी गाड़ी का कलर जो है वो आपको देख सकते हैं, ये पूरा सिल्वर मतलब कह सकते हैं, या फिर सिल्वर कह लीजिए आप उसको, डार्क ग्रे कर लीजिए, ठीक है आप उसको ग्रे सिल्वर में बोल सकते हैं, बाकी एक्चुअल में जो इसका कलर होगा मैं आपको बता दूंगा इसका का नाम क्या है, क्योंकि फ्रंट में आप देखेंगे फ्रंट का फेंडर जो है पूरा, फ्रंट का जो गार्ड है वो आपका पूरा ब्लैक में है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ की स्टिकरिंग दी गई है, एंड नीचे साइड आएंगे तो कुछ इस तरह का अलॉय है, यहाँ पे डिस्क ABS अपसाइड डाउन यूएसडी फोक्स जो कि आपके ब्लैक कलर में, यहाँ पे आपका रेडिएटर ग्रिल दिया गया है, इसको आपका वर्ष पे यहाँ का हॉर्न हो गया, एंड यहाँ पर ये वेंट्स बनाए हैं, बट ये प्रदब किसी काम के नहीं मुझे लग रहा है, क्योंकि आर पार अंदर जाके पूरा दिख रहा है, बट लुक अच्छा दे रहा है, यहाँ यहाँ का लोगो 3D में MT 03, इस तरह का कुछ इंजन है, पावर एंड टॉर्क मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पर आपको इसमें मिल जाता है नीचे थोड़ा सा इंजन कवर मतलब कह सकते हैं इंजन को गार्ड करने के लिए, इस तरह का फुटरेस्ट कुछ इस तरह के, ये तो सेम टू सेम थोड़ा सा मुझे लग रहा है हल्का सा डिफरेंट हो सकता है, बट मुझे सेम लग रहा है, एग्जॉस्ट मैं कह सकता हूँ शॉर्ट कैन नहीं लग रहा है, इतना बड़ा लग नहीं रहा देखने पे, क्योंकि आई थिंक ये ऊपर इस वजह से, बाकी इस तरह के स्विंग आर्म्स हैं, पीछे का भी दिखा देता हूँ मैं आपको, एंड इधर साइड ये वहाँ की स्टिकरिंग हो रखी है, या वहाँ का लोगो, एंड एक चीज़ ये इसका जो पीछे का टेल सेक्शन है काफ़ी ज़्यादा शार्प है, आप देख सकते हैं कितना शार्प है, एंड स्प्लिट सीट ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, और इसकी जो राइडिंग सीट है काफ़ी ज़्यादा लो है, ये काफ़ी अप है तो भी बहुत कंफर्टेबल है, यहाँ पे आपका MT का लोगो मिल जाता है, ये रहा कुछ टैंक ऐसा, हैंडल बार पे आते हैं अब, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ये सिल्वर कलर का स्लीपर असिस्ट क्लच, यहाँ पर हो गया आपका हाई बीम लो बीम, इधर हो गया ये आपका हो गया पासिंग, ये हाई बीम, ठीक है, इधर हो गया हॉर्न, इधर हो गया आपका इंडिकेटर, यहाँ आपका हो गया कैल स्विच वाला सब सिंगल एक ही सीट में, यहाँ पर आपका हैज़ार्ड मिल गया, इग्निशन को ऑन करते हैं तो कुछ ऐसा होता है, मीटर कंसोल जितनी हो पाएगी डिटेल मैं वो भी प्रोवाइड करता हूँ, तो यहाँ पर आपका हो गया पहले न्यूट्रल टायर सिग्नल लेफ्ट राइट क्या नाम है इंजन ऑयल, इधर हो गया इंजन चेक लाइट, एंड ये भी ब्लैंक है, इधर हो गया फिर से आपका राइट टर्न सिग्नल हाई बीम ABS, यहाँ पर हो गया RPM गियर इंडिकेटर कूल टेम्परेचर दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है,
एंड नीचे आपका टाइम हो गया ट्रिप वन, एंड इधर हो गया आपका स्टॉप स्पीड, ये फ्यूल इंडिकेटर हो गया। बाकी ये अगर सेलेक्ट आपको मैं प्रेस करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं सेलेक्ट प्लस करने पे यहाँ आपका ट्रिप ऐप के अलग अलग मोड चेंज हो रहे हैं, तो ये इसमें दिया है। एक चीज़ ये यार, थोड़ा उसका मीटर कंसोल है ना, आपको कलरफुल करना चाहिए, तो कुछ मोड्स देने चाहिए थे यार, क्योंकि मेरे हिसाब से यार अगर 5 लाख ले रहे हो तो इतनी चीज़ें तो बनती हैं यार। आपको मैं हज़ार्ड भी ऑन करके गाड़ी का लुक दिखा देता हूँ कि आपको इंडिकेटर किस तरह से मिल रहे हैं, तो कुछ इस तरह की मतलब काफ़ी अच्छी है यार, मतलब लाइटिंग काफ़ी अच्छी है एंड पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज कर लिया, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। एंड बैक का भी आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार कि बैक में कैसा है, ये रहा कुछ ऐसा। एंड बैक की लाइट आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से बन रही है, एंड एक बार मैं आपको चेक कराता हूँ कि अगर ब्रेक प्रेस करते हैं तो कैसा ये जलेगा। सो ब्रेक प्रेस करने पे तो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये है ओवरऑल कुछ व्यू गाड़ी का, बाकी अदर भी कोई डिटेल मेरे से अगर छूट रही होगी तो आप वो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। MT03 के बारे में प्राइस के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से मैं कहूँगा, दिखने में जिस हिसाब से गाड़ी है, सुनने में जैसे आया था कि ओवर प्राइस है, बट मेरे को यार मैं सामने सामने गाड़ी देख रहा हूँ तो मुझे नहीं लग रहा है ओवर प्राइस है अकॉर्डिंग टू उसके प्राइस द पावर एंड जो भी इसमें चीज़ें हैं नॉर्मल। एक्स्ट्रा फीचर्स में कहूँगा नहीं है, तो इसमें जैसे थोड़ी कमियाँ जैसे कलिंग ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, बट इसमें आपको मिल जाता है वही साइड स्टैंड कट ऑफ तो मिल ही जाता है एटलीस्ट, वो तो अच्छी बात है। ट्रैक्शन कंट्रोल और क्विक शिफ्टर ये सब कुछ भी नहीं आपको मिलेगा, बस आपको उसमें 321cc का एक इंजन मिल गया है जो कि आपको पूरी फुल रॉ पावर देगा। टॉप स्पीड की बात करो तो आप 70 या आराम से जाना चाहिए 310cc का, बाकी कंपनी कितना क्लेम करती है वो तो मुझे नहीं आइडिया। एक बार आपको एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ, सबसे प्यारी चीज़ तो यही होगी, तो ऑन कर दें कुछ नॉर्मल है, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट मोड है, काफ़ी बेसी यार एग्जॉस्ट मोड। एंड अब आगे का देखेंगे तो आगे का जो प्रोजेक्टर है वो भी आपका ऑन हो चुका है कुछ इस तरह से, बाकी लो बीम एंड हाई बीम अभी वर्क नहीं करेगा, वो आपका बाद ही में रहेगा। ये 1 सेकेंड अब है वो वर्क करेगा इस तरह से, कुछ लो बीम हाई बीम वर्क करेगा। तो ये रहा ओवरऑल गाड़ी का कुछ वॉक अराउंड, बाकी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई भी आपको अगर जानकारी चाहिए होगी गाड़ी के बारे में। एक बार मैं आपको 360 व्यू पर कोशिश करके दिखा देता हूँ, चलिए। तो कुछ इस तरह का टैंक सीट ऐसा है कुछ, ये पीछे का यहाँ पर कुछ ऐसा तरह का सेटअप दिया है चेस्ट पॉकेट वाला, देख सकते हैं ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है जो यहाँ पर पैटर्न वैटर्न दिया है ना, कुछ बढ़िया लग रहा है देखने में। और आप देख लीजिए पूरी गाड़ी कैसी है, इंजन काफ़ी खुला खुला है और काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना ये जो बोर्ड्स लगे हैं ये आपका दिया है, आप इसमें अगर फेन स्लाइडर लगा सकते हैं या फिर लेग गार्ड लगाने के लिए या कह सकते हैं क्रैश गार्ड, उस चीज़ के लिए दिया है आपको ये बोर्ड कस खोल लें एंड यहाँ पर आप लगा सीधे माउंट कर सकते हैं। अदर भी कोई जगह आप लगा सकते हैं बट मेरे हिसाब से यही दिया है क्योंकि ये ऐसा कुछ यूज़फुल मुझे लग नहीं रहा है, आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। गाड़ी की एक बार सीट हाइट दिखा देता हूँ, काफ़ी कम है 780 है मैम, बैठने में कुछ इस तरह से। एंड गाड़ी का मैं चाहूँगा वेट की बात करूँ तो गाड़ी का वेट भी 167 kg है, बट हाइट कम होने की वजह से वेट इतना पता नहीं चल रहा है। एंड पैर भी देख सकते हैं मेरे बैंड हो रहे हैं आराम से, नीचे रखने में भी स्ट्रेट में खड़ा हो सकता हूँ। तो MT-R5M या 3 की बात करूँ तीनों से इसकी सीट हाइट काफ़ी कम है, तो काफ़ी कम्फर्टेबल आपको लेकर राइड करने के लिए सिटी में या चाहे जैसे भी चलाएँ, पावरफुल है, कम्फर्टेबल है, आप आराम से उसको लेकर लॉन्ग ट्रिप सिटी राइड कर सकते हैं। बाकी अगर किसी की हाइट 5 है या 5 से नीचे है तो आराम से चला सकता है, 5 से ऊपर वाला भी चला ही देगा, बट 5, 7 या 6 वाला थोड़ा बैठेगा तो उसके पैर ज़्यादा बेंड होंगे। लो हाइट वालों के लिए बेस्ट गाड़ी, पावरफुल एंड काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी बाइक है, तो नंबर दिए। सो ये रहा गाड़ी का ओवरऑल व्यू, तो कैसी लगी गाड़ी कमेंट करके बताइए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब, वीडियो को कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।